नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले लेक्चर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ चुके थे और उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों ने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी पढ़ चुका था। देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दो पार्ट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसका कितना पार्ट होगा? दो। एक था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक था कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन देख चुके थे और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को। देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अभी पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को कितने तरीके से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, ठीक है। तो चलिए, वैसे प्रोजेक्शन तो कई प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी इस समय केवल दो प्रोजेक्शन की बात करेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। प्रोजेक्शन मीन्स क्या होगा? परछाई। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल 3D में है, उसको हम 2D में रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो उसी को बोला जाता है प्रोजेक्शन। तो डिफिनेशन लिख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ 3D मॉलिक्यूल इन 2D इज नोन एज प्रोजेक्शन, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? प्रोजेक्शन का मतलब हो सकता है, ये होता है रिप्रेजेंटेशन, यही होता है प्रोजेक्शन। तो रिप्रेजेंटेशन यानी प्रोजेक्शन ऑफ 3D मॉलिक्यूल इन 2D इज नोन एज प्रोजेक्शन। अब देखिए, प्रोजेक्शन कितने प्रकार का हो सकता है? वैसे होता है तो बहुत सारा प्रकार है, लेकिन अभी हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए दो प्रकार को डिस्कस करेंगे। पहला प्रकार है हम लोगों का, एक है सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। पहला प्रोजेक्शन क्या है? सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन। और दूसरा प्रोजेक्शन है न्यूमान प्रोजेक्शन। सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमान प्रोजेक्शन। देखिए, जो सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन होता है, इसको साइड व्यू प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। साइड व्यू क्योंकि इसको जब हम लोग देखते हैं तो किसी कार्बन के मॉलिक्यूल को या किसी भी कंपाउंड को देखते हैं तो उसको साइड से देखते हैं। और ये जो प्रोजेक्शन है न्यूमान का, तो ये न्यूमान प्रोजेक्शन को कहा जाता है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का मतलब होता है कि सामने से देखते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई इथेन का मॉलिक्यूल है, इथेन मतलब इथेन CH3, ये इथेन का मॉलिक्यूल है। जैसे मान लीजिए कि यही है इथेन का मॉलिक्यूल, आपको दिख रहा होगा ये। अगर देखिए, ये इसको ये एक सिरे को आप कार्बन समझिए और दूसरे सिरे को दूसरा कार्बन समझिए। एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन ग्रुप, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन ग्रुप लगा है। अगर मैं आपको इस तरीके से बोलूँ कि आप बताइए
इस कार्बन इस इथेन के मॉलिक्यूल को आप देखिए, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक ही कार्बन दिखेगा, ये पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिखेगा, तो इसको बोलेंगे न्यूमान प्रोजेक्शन। और ये आप फ्रंट से देख रहे हैं, सीधे सीधे देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू है, तो ये होगा न्यूमान प्रोजेक्शन। देखिए न्यूमान प्रोजेक्शन को बोला जाता है साइड व्यू। और एक है साहार्ट प्रोजेक्शन, माफ कीजिएगा, न्यूमान प्रोजेक्शन क्या बोला जाता है फ्रंट व्यू, और साहार्ट प्रोजेक्शन क्या होता है साइड व्यू। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इसको आप ऐसे देखिए ऐसे, तो ये कार्बन भी आपको दिखेगा, तीनों हाइड्रोजन दिखेगा, और ये कार्बन भी आपको दिखेगा और तीनों हाइड्रोजन दिखेगा। तो ये जो साहार्स प्रोजेक्शन है ये साइड व्यू है, आप इसको दोनों कार्बन को देख पा रहे हैं, लेकिन न्यूमान प्रोजेक्शन में आप फ्रंट व्यू देखते हैं, आप केवल एक ही कार्बन को देखते हैं जो आपके सामने है, आप फ्रंट बैक कार्बन को नहीं देख पाते हैं, केवल फ्रंट कार्बन को देख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहला लिखिए, क्या हम लोग देखेंगे, साहार्स प्रोजेक्शन, साहार्स प्रोजेक्शन। मैंने आपको बताया कि साहार्स प्रोजेक्शन में कैसे देखेंगे आप लोग, साइड व्यू देखेंगे, मतलब कि ऐसे ना, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो आपको दोनों कार्बन दिखेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साहार्स को साइड व्यू। इसको बोला जाएगा साइड व्यू। जैसे मान लीजिए वही मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं इथेन का, दो कार्बन है, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, साइड तो ऐसे ही देखोगे ना आप लोग, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो और दोनों कार्बन से तीन तीन हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखिए आपको हमने बताया था कि जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होते हैं उनका स्पेस में अरेंजमेंट अलग होता है। क्यों होता है, ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, और सिंगल कौन होता है, सिग्मा होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, देखिए कार्बन को मैंने दिखाया नहीं है ना, ये जो ये क्या है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक। अगर ये बॉन्ड इस तरीके से कुछ घूम जाए, रोटेट कर जाए, और आप याद रखिएगा कि ये जो नीचे वाला कार्बन लिखा हूँ ये फिक्स्ड है, तो क्या होगा जरा बताइएगा आप, इस कार्बन को फिक्स करके ये वाले कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा जरा आप बताएं। ये तो मान लीजिए वैसे रहेगा, इसको फिक्स किए हैं, तो आप जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका वैसे लिख दीजिए। और देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये घूम के यहाँ चला आएगा, कुछ ये इस तरीके से बनेगा, नीचे एक हाइड्रोजन आएगा और ऊपर ये दो हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन है। आपने कितना रोटेट किया है इसको, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपने इसको रोटेट कर दिया है। तो देखिए इस कार्बन को आपने फिक्स किया था और इस फ्रंट वाले कार्बन को इसको आपने रोटेट किया है, तो ये आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, ठीक। इसको हम बोलेंगे साहार्स प्रोजेक्शन, नोट कर लीजिए आप लोग, साहार्स प्रोजेक्शन यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा सेकेंड है न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन क्या होगा,
इसको हम लोग क्या देख कैसे देखते हैं, ये फ्रंट व्यू है। इसको हम सभी कैसे देखते हैं, सामने से देखते हैं। मॉलिक्यूल कौन सा था हमारा, CH3। अब देखिए जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो आपको एक ही कार्बन दिखेगा। आपको ये पीछे वाला कार्बन, बैक कार्बन नहीं दिखेगा, ठीक। तो एक को आप मान लीजिए कि आप सामने है आपके फ्रंट व्यू में है, और एक है बैक कार्बन है, ठीक है। एक फ्रंट में है और एक बैक में है। अब ध्यान दीजिए, फ्रंट कार्बन को हमेशा डॉट से दिखाते हैं, इस बात को आपको समझना है। फ्रंट कार्बन को कैसे दिखाते हैं, डॉट से। और बैक कार्बन को हमेशा दिखाएंगे हम लोग सर्किल से, ठीक। इसको सरल है, बहुत आसान है, लेकिन आप लोग अभी नहीं ध्यान देंगे तो बाद में टफ बन जाता है, तो इसको अभी ध्यान देना है। फ्रंट कार्बन को कैसे दिखाते हैं, पॉइंट से, और बैक कार्बन को दिखा रहे हैं सर्किल से। तो देखिए अब बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये है हमारा फ्रंट कार्बन, देखिए फ्रंट कार्बन है, तो मैंने इसको पॉइंट से दिखा दिया। अब ये कार्बन है तो इससे कितना हाइड्रोजन अटैच्ड है, फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन, तो ये रहा, मैंने 3 हाइड्रोजन अटैच करा दिया, ठीक है। अब बैक कार्बन बनाते हैं, चलिए बैक कार्बन को कैसे हम लोग दिखाएंगे, सर्किल से। और बैक कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 3। तो बैक कार्बन से देखिए, ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। देखिए एक बात आप देख रहे होंगे कि जो मैं बैक कार्बन का हाइड्रोजन बनाया हूँ, इसका जो लेंथ है मैंने छोटा जानबूझकर किया है, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने रहेगी आपको थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, और जो थोड़ा सा आपसे दूर रहेगा वो थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा, और दिखने के रिस्पेक्ट में मैंने उसको छोटा लिखा है। बाकी जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सेम ही होगा, जितना ये कार्बन, फ्रंट कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ होगा, उतना ही बैक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ होगा, बशर्ते आपको बस दिखेगा छोटा, दिखेगा छोटा, लेकिन वो छोटा होगा नहीं। अब देखिए ये क्या होगा, इसमें अब आप क्या करिए कि चाहे फ्रंट को चाहे बैक कार्बन को फिक्स कर लीजिए, और एक को फिक्स करिए दूसरा घुमाइए। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि हम फ्रंट कार्बन को फिक्स करते हैं, यानी कि इस लाइन को, ये वाला हम फिक्स कर लेते हैं, तो और बैक कार्बन को घुमाते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये रहा फ्रंट कार्बन, ये रहा बैक कार्बन, हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, और बैक कार्बन को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, सर्किल से। अब देखिए इसको 60 डिग्री जब घुमाएंगे, ठीक है, जब इसको 60 डिग्री इसको घुमाएंगे, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इसको 60 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ से, तो ये जो हाइड्रोजन हो जाएगा ये आएगा आपका कुछ यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, आपको पहले वाले से 60 डिग्री के कोण पर बनाना है, और ये वाला यहाँ आएगा, ठीक है। और अब देखिएगा ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन है, दोनों रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म, और इसको बोलेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये इक्लिप्स्ड है और ये है स्टैगर्ड है, यानी कि जिसमें यहाँ देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास पास हैं, स्ट्रेन है, ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में स्ट्रेन है, बॉन्ड एंगल भी, बॉन्ड एंगल का भी एंगल स्ट्रेन भी है, तो इसको हम बोलेंगे इक्लिप्स्ड और इसको बोलेंगे स्टैगर्ड, ठीक। याद रखिएगा न्यूमान प्रोजेक्शन में
फ्रंट कार्बन को डॉट से लिखते हैं और बैक कार्बन को सर्किल से। डिनोट कीजिए, लिखिए, नोट कर रही है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस, कन्फर्मर्स भी कह सकते हैं, कन्फर्मेशन न कह के, स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स, ठीक है। अब जो डिफरेंट कन्फर्मर बनेंगे उनकी हम लोग स्टेबिलिटी को देखेंगे, ठीक। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो हम लोगों ने बनाया था, हाँ, न्यूमान प्रोजेक्शन में ये इक्लिप्स से स्टेगर्ड में आने के लिए इसके बीच में इनफाइनाइट कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करेंगे, इक्लिप्स से स्टेगर्ड में आने के लिए इनफाइनाइट कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करेंगे, उसको बोला जाता है स्क्यू फॉर्म। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन बैक कार्बन का, ये बैक कार्बन का हाइड्रोजन इसमें यहाँ है 60 डिग्री पर कोण बना रहा है, देखिए 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या ये 60, ये यहाँ से डायरेक्ट 60 घूम गया है? नहीं, पहले ये आधा घूमा होगा, एक डिग्री घूमा होगा, दो डिग्री घूमा होगा, ढाई डिग्री, इस तरीके से घूमते 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 घूमते, और इनके भी बीच में इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस बनेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो इक्लिप्स फॉर्म है, इक्लिप्स से स्टेगर्ड आने में कितना कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करेगा? इनफाइनाइट कन्फर्मर एग्जिस्ट करेगा, और सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे? स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर। लेकिन देखिए इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, इसी को कहते हैं वांडरवाल्स स्ट्रेन। क्या होता है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको आप देखेंगे, स्टेरिक स्ट्रेन और वांडरवाल स्ट्रेन। देखिए क्या होता है, ये होता है रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स। जो एटम होता है मॉलिक्यूल्स का, या कोई मॉलिक्यूल्स के अंदर जो ग्रुप होते हैं उनके मध्य जो रिपल्सन होता है वही होता है स्टेरिक स्ट्रेन, रिपल्सन बिटवीन एटम्स और ग्रुप। तो देखिए रिपल्सन कब ज़्यादा होगा या कब कम होगा, ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स का आकार बड़ा है, मॉलिक्यूल्स का आकार बड़ा है, तो जब दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनमें रिपल्सन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेरिक स्ट्रेन है ये किस पर डिपेंड करेगा? साइज पे। साइज जितना अधिक होगा रिपल्सन उतना अधिक होगा, साइज जितना अधिक रिपल्सन उतना अधिक होगा। इसके साथ साथ डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, अगर कोई मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स कम लगेगा, और मॉलिक्यूल जो एटम होगा या ग्रुप होगा नज़दीक होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स अधिक लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो स्टेरिक स्ट्रेन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के।
ठीक। अगला यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, एक होता है टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन। ये कौन सा स्ट्रेन होता है? तो देखिए, आपको पता है कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड किससे मिलके बना होता है? इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। अगर एक बॉन्ड पेयर के बीच में या एक बॉन्ड पेयर के बगल में, मान लीजिए ये बॉन्ड पेयर है, इसके बगल में दूसरा बॉन्ड पेयर आएगा, तो देख रहे एक बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड पेयर जो होता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। तो इन बॉन्ड पेयर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, तो एक दूसरे के जब करीब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, यानी कि वहाँ पर स्ट्रेन आएगा, और इस तरीके के स्ट्रेन को कहते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। यानी कि हम कह सकते हैं कि रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन बिटवीन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड या बॉन्ड पेयर केवल लिख लीजिए, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर होगा उनके बीच में जो रिपल्सन होगा। अगर हम बात करें, इसको आप पहले लिख लीजिए, नोट कीजिए, जो रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर के बीच में उसे क्या बोलेंगे? टॉर्जनल स्ट्रेन। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल का, तो देखिए दो टाइप के स्ट्रेन हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा? एक स्टेरिक स्ट्रेन जो कि एटम या ग्रुप के बीच रिपल्सन होता है, और एक टॉर्जनल स्ट्रेन जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल को। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है ना, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक ये देखिए इस तरीके से, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही सीध में हैं, तो इनका जो ग्रुप होगा, जो आकार होगा, ये हो सकता है कि एक दूसरे से टकराएं, या न भी टकराएंगे, फिर भी परेशानी का इनको प्रॉब्लम होगा कि नहीं, इनका आकार कुछ तो होगा, तो इनके मध्य क्या होगा? रिपल्सन होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर हम एक मेथिल ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से, पहले हम ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये देखिए मेथिल आ गया, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये बड़ा वाला मेथिल ग्रुप है, तो इनके मध्य क्या होगा? इनके मध्य स्टेरिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो ग्रुप या एटम के मध्य जो रिपल्सिव फोर्स लगता है, तो उसी को बोला जाता है स्टेरिक स्ट्रेन। और देखिए ये दोनों बॉन्ड क्या हैं? एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो चूंकि बॉन्ड पेयर जो होता है, जो बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, तो वहां पर होगा टॉर्जनल स्ट्रेन। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक अन्य कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। और ये कॉन्सेप्ट है डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल, या इसी को बोला जाता है आर एंगल ऑफ टॉर्जन,
डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं या एंगल ऑफ टॉर्जन बोलते हैं। इसी का एक अन्य नाम है, बताइए आप लोग, इसी को बोला जाता है और या एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। क्या होता है ये, देखिए ये जो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स होता है या दो एटम्स या दो ग्रुप्स के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं टॉर्जनल, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन या डाईहेड्रल एंगल। आप जानते हैं एंगल है तो उसको हम लोग थीटा से दिखाएंगे, तो लिख लेते हैं द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आर एंगल बिटवीन टू एटम्स आर ग्रुप। क्या होगा, ये होगा डाईहेड्रल एंगल। ठीक है, अब इससे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल कितना है, जीरो, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, देखिए एक हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, इनके बीच का एंगल कितना है, एंगल कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन इसको फिक्स करके इसको हम 60 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। या प्लेन के बीच का एंगल हो जाए या जो मॉलिक्यूल्स हैं जो या ग्रुप हैं एटम हैं इनके बीच का एंगल जो होगा वही डाईहेड्रल एंगल होगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए अब हम लोग देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। हम लोग दो चीज़ का कन्फर्मेशन पढ़ेंगे, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। और ब्यूटेन में भी दो कन्फर्मेशन है, अलग अलग भी आते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर साइक्लोहेक्सेन का भी कन्फर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन या एथेन कैसे बनता है, ये CH3 ये कन्फर्मेशन ऑफ ये एथेन है। आपको पता है कि हम लोग देखिए न्यूमान प्रोजेक्शन बनाने जा रहे हैं, न्यूमान प्रोजेक्शन बनाएंगे, यानी कि इसमें आपको एक फ्रंट कार्बन लेना पड़ेगा और एक बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन मतलब डॉट और बैक कार्बन मतलब सर्किल। चलिए फटाफट बनाते हैं, अभी हम लोग बनाए थे, फ्रंट कार्बन है तो डॉट से बना दीजिए और इस डॉट से यानी कि फ्रंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, इस फ्रंट कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ये हाइड्रोजन अटैच्ड हैं तीन, एक दो तीन। और बैक कार्बन से कितने हाइड्रोजन हैं, तीन, लेकिन बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से। ये देखिए तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन, इसको क्या नाम हम लोगों ने देखा था, इसका नाम है इक्लिप्स्ड। क्या नाम होगा इसका, इक्लिप्स्ड। अब क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि फ्रंट कार्बन को आप फिक्स करेंगे और बैक कार्बन को रोटेट करेंगे। आप किसी को भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्रंट कार्बन यानी कि ये वाली लाइन जो है इसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं और सर्किल को हम लोग रोटेट करेंगे। कितना रोटेट करेंगे, 60 डिग्री। यही होता है डाईहेड्रल एंगल, अभी जो हम लोग पढ़े हैं डाईहेड्रल एंगल। यहाँ पर डाईहेड्रल एंगल कितना होता, कितना है 60 डिग्री। तो चलिए रोटेट कराइए ज़रा। तो देखिए वही है कि फ्रंट कार्बन को हम लोग फिक्स किए हैं तो उसको ऐसे ही फिक्स रखेंगे, H H
एच। चलिए और क्या है, बैक कार्बन को रोटेट करेंगे, बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करें सर्किल से, ये 60 डिग्री रोटेट करेगा, देखिए ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इतना तो 90 होगा तो उसके बीच में रखना है, तो ये होगा 60, यहाँ से 60 आएगा, मान लीजिए कि ये लगभग 120 होगा, तो ये 60 ऐड करेंगे तो सीधा हो जाएगा, यानी कि 180 पे आ जाएगा लगभग, और ये यहाँ आएगा। इसको हम लोगों ने देखा था कि ये है स्टैगर्ड, ना मैंने आपको बताया था कि इक्लिप्स्ड, ये इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में इनफाइनाइट कन्फर्मेशन होंगे, उनको बोला जाएगा स्क्यू फॉर्म, उनको कौन सा फॉर्म बोला जाएगा, स्क्यू फॉर्म बोला जाएगा। अब एक बात हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आप मुझे देखकर बताइए, आपके सामने एक लिखा है इक्लिप्स और दूसरा स्टैगर्ड, कौन किस कौन से कन्फर्मेशन में एंगल स्ट्रेन सबसे अधिक है, एंगल स्ट्रेन यानी कि टॉर्जनल स्ट्रेन सबसे अधिक है। आप देखेंगे इस वाले में चाहे टॉर्जनल स्ट्रेन हो चाहे स्टेरिक स्ट्रेन हो, दोनों अधिक है, तो मैं नाम दे रहा हूँ, केवल स्ट्रेन लिख रहा हूँ, स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इसमें मैक्सिमम है, और अगर स्ट्रेन इसमें मैक्सिमम है तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये क्या है, दूर दूर हैं, तो स्टेरिक स्ट्रेन मिनिमम होगा, बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इसका फ्रंट कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर और बैक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर भी देखिए 60 डिग्री पे हैं, तो इनके मध्य जो रिपल्सिव फोर्स होगा बहुत कम होगा, ना तो इससे तो बहुत कम होगा, स्टैगर्ड फॉर्म इसकी इक्लिप्स फॉर्म से बहुत कम होगा। देखिए अगर स्ट्रेन मैक्सिमम है तो हम कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, एनर्जी होगी इसकी मैक्सिमम, और इनमें क्या होगा, इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी होगी मिनिमम। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन नहीं है तो एनर्जी मिनिमम होगा ही। स्टेबिलिटी बताइए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर एनर्जी अधिक है तो स्टेबिलिटी इनकी मिनिमम होगी, बहुत स्टेबल होंगे, ये लेस स्टेबल होंगे, और इस स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टैगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होगी, ये होगी मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी है इनका मिनिमम, एनर्जी देख रहे हैं मिनिमम है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका दो फॉर्म पढ़ लिया, एक इक्लिप्स्ड फॉर्म, देखिए स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा, एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी किससे अधिक होगा, इक्लिप्स से। लेकिन एक बात आप बताइए, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में भी तो एक हम लोगों ने इनफाइनाइट कन्फर्मेशन देखा है, और ये इनफाइनाइट कन्फर्मेशन को केवल एक नाम दिया जाता है, स्क्यू फॉर्म। तो स्क्यू फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होगी इक्लिप्स से अधिक होगी लेकिन स्टैगर्ड से कम होगी, तो स्टैगर्ड से कम स्टेबिलिटी किसकी है, स्क्यू फॉर्म की, और स्क्यू फॉर्म की स्टेबिलिटी किससे अधिक होगी, इक्लिप्स फॉर्म की, ठीक है। आप इतना बात को जानते रहें, चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ पॉइंट है इसको लिख लेते हैं। देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशन, देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशन बिटवीन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक।
देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशन बिटवीन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। देखिए इसको मैं बैक एक बार जाता हूँ। हाँ देखिए, इस इक्लिप्स से इस स्टैगर्ड में कन्वर्ट होने के लिए किसको, ये किसका मॉलिक्यूल है, इथेन का मॉलिक्यूल है। इथेन के मॉलिक्यूल में इक्लिप्स से स्टैगर्ड तक जाने के लिए 12.5 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सामान्यतः कोई भी एल्केन हो जाए, अगर इक्लिप्स से स्टैगर्ड फॉर्म में जा रहा है तो 1 to 20 किलो कैलोरी जूल की किलो कैलोरी पर मोल है, या माफ़ कीजिएगा, ये किलो जूल पर मोल है, ये जो आपका है किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होगी। और किसी भी एल्केन के लिए ध्यान दीजिएगा, आप एल्केन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये एल्केन होता तो ये 1 to 20 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता होती। इसी के बीच में कोई भी एल्केन होगा वह इक्लिप्स से स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 1 to 20 के बीच में ही 12.5 है न, तो आप लोग कुछ पॉइंट लिख लीजिए। हाँ आप लिखे हैं देयर आर इनफाइनाइट कन्फर्मेशन बिटवीन इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और पॉइंट लिख लीजिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन कौन सा कन्वर्जन, आप जो इक्लिप्स से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्लिप्स से स्टैगर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन फॉर इथेन मॉलिक्यूल इज 12.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और अगर कोई भी एल्केन होगा तो उसके लिए 1 to 20 फॉर एल्केन दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट इज 1 to 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो हम लोग आज तक यहीं पर रखते हैं, और कुछ दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ दिक्कत परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, वीडियो आपको हर रोज़ मिलेगा। और कुछ ले भी ये भी कह रहे थे कि वीडियो को सर थोड़ा सा सरल बनाइए। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा ये अपना पर्सनल मामला है कि अगर आप 1600 मीटर की रेस जीतना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि प्रैक्टिस कितने का करेंगे, प्रैक्टिस आप लोग कम से कम 2000 मीटर का करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि 1600 मीटर का रेस जीतना है और हम लोग प्रैक्टिस करें 1000 मीटर का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 1000 मीटर का प्रैक्टिस करके आप 1600 मीटर का रेस जीत पाएँ। किसी किसी के लिए पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे बहुत ही ईमानदारी के साथ उसको फॉलो कीजिए, और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए। बाकी ये नहीं कि आपको सरल पढ़ाया जाए, सरल टफ कुछ होता नहीं है, आ गया तो सरल है, नहीं आया तो टफ है। लेकिन आपको जो पढ़ाया जा रहा है, आपको सरल लग रहा है कि टफ लग रहा है, आप ज़रूर बताएँ, ठीक है। और बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा, क्लासरूम में रहते हैं तो डायरेक्टली हम
आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वर्चुअल क्लासरूम है, आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम आपकी बातों को सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, आज तक हम लोग यहीं रखते हैं, धन्यवाद।